गुड आफ्टरनून गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं, मस्त हूं, चकाचक नहा धो के आपके सामने। 12 बजे इंटर पेपर नंबर 1 अकाउंट्स रेगुलर कोर्स। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो राहुल, मशे महेश्वरी, सावन, पारुल, जैनिल, दिनेश, कौशिका, पटेल, शिवम, धीरज, युक्ता, हर्ष। तो कैसे हैं आप लोग? रंजन झा, जयश्री, जाजू, प्रिंकल चावला, समर्थ भटनागर, रवि, ईशा, लेटेस्ट अपडेट जिसका नाम है तुषार अग्रवाल, दीपिका। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 प्यारी शुभकामनाएं आने वाले आपके टाइम के लिए। बहुत अच्छे से आपके लेक्चर्स कंडक्ट हों, ठीक है? हम आज से टेक्निकल सेशन शुरू कर रहे हैं। टेक्निकल सेशन का मतलब हम आज से प्रॉपरली पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, तो इसीलिए ये शुभकामनाएं देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? ताकि आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से चले, आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, अच्छे से पढ़ाई करें, एक बार में सारे अटेम्प्ट्स, सारे पेपर्स अच्छे से एक ही अटेम्प्ट में निकालें और जल्दी से जल्दी अपने बड़ों का नाम रोशन करें। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सॉरी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ। नमस्कार, नमस्कार। चलिए, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन के पीछे दिख रहा है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। आने वाले 2 से 3 दिन, मे बी शायद 4 दिन तक हम अकाउंट्स के बेसिक्स पर थोड़े से ध्यान देंगे। सर ऐसा क्यों? थैंक यू सचिन। आने वाले कुछ दिन तक हम अकाउंट्स की बेसिक्स पर ध्यान देंगे। बच्चों एक बात बता दूं, आज की क्लास में हम प्रॉपरली पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन तक हम बेसिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। मतलब हम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आने वाले 3-4 दिन अपना पूरा का पूरा ध्यान लेंगे बेसिक्स पर। सर कौन से बेसिक्स? अकाउंट्स के बेसिक्स। सर कौन से अकाउंट्स के बेसिक्स? वो मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, ठीक है? यस, टैक्स का लेक्चर आज होगा। मेरी विजय सर से बात हुई है, 2 बजे टैक्स का लेक्चर लिया जाएगा, विजय सर लेंगे, ठीक है? बट यस, मैं आपको यह भी बता दूं कि विजय सर के घर पे मेडिकल इमरजेंसी चल रही है। आई होप आपने उनका मैसेज भी देखा होगा। उनके फादर थोड़े थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब है, फादर है उनके साथ, विजय सर के साथ। तो हो सकता है सर क्लास तो लें बट बीच में उनको क्लास इंटरप्ट करना पड़े, क्योंकि अभी 2-4 दिन ऐसा हो सकता है विजय सर के साथ, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले आप अभी अगर नोट्स अगर आपके पास नहीं भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं भी हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम नोट्स की बातें करेंगे ही नहीं। अभी हम आज से बात करेंगे अपने कुछ बेसिक्स की, जिन बेसिक्स के लिए नोट्स की जरूरत अभी फिलहाल नहीं पड़ने वाली आने वाले 1-2 दिन तक, ठीक है? अच्छा जी, शुरू करें। अब शुरू करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स याद रखना हमारी क्लास के। मैं कुछ बेसिक रूल्स आपको क्लास के बता दे रहा हूं, स्पेशली उन रूल्स में कुछ लाइव क्लासेस के भी रूल्स हैं और कुछ नॉर्मल क्लासेस के रूल्स हैं, कुछ लाइव क्लासेस के रूल्स हैं, कुछ लाइव क्लासेस के रूल्स हैं और कुछ अदर देन लाइव क्लासेस, मतलब ओवरऑल क्लासेस को कंडक्ट करने के रूल्स हैं, ठीक है? रूल नंबर वन, डाउट्स। सर डाउट्स को हमें कैसे पूछना है? डाउट्स को आप 2 तरीके से पूछ सकते हैं। जब लाइव क्लास कंटिन्यू चल रहा है उस टाइम पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, बट ये याद रहे कि
कि जिस टाइम पे मैं कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको करवा रहा हूं, मैं किसी इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन कर रहा हूं, उस पर उस बीच में उस बात में आप बीच में मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे, मुझे आप बीच में रोकेंगे नहीं, या बीच में आप मुझे ये नहीं बोलेंगे सर ये वाला डाउट था पहले ये बता दो। आपको पेशेंस से काम रखना है, आपको आराम से धैर्य रखना है। आपको अगर डाउट पूछना है तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मुझे वो पर्टिकुलर कंसेप्ट को कंप्लीट करने देना, उसके बाद आप उस कंसेप्ट पर या फिर अदर कोई चीज पर डाउट पूछना, पर वो रेलेवेंट होनी चाहिए आसपास के कॉन्सेप्ट्स पर। ऐसा नहीं कि पढ़ा कुछ और रहा हूं और बिल्कुल पूछा जा रहा है कुछ भी और। ठीक है, तो सर हम कुछ भी और नहीं पूछ सकते क्या? पूछ सकते हैं, बट आप क्लास में मत पूछो ना, आप मुझसे अलग से व्हाट्सएप पे पूछ लो। ठीक है, वॉल्यूम कम है क्या? हेलो, मुझे तो नहीं लग रहा यार वॉल्यूम कम। वॉल्यूम मेरे हिसाब से तो ठीक है यार, मेरे सिस्टम पे तो ठीक आ रहा है। सारे बच्चे मुझे बताएं प्लीज, वॉल्यूम कम है क्या? हाँ, अगर हेडफोन यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, एयरफोन्स हेडफोन्स अगर यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, बट वैसे हेडफोन के बिना भी आ जाएगा। मैं वॉल्यूम को एक बार, मुझे दो मिनट ध्यान, दो मिनट एक बार मैं देखता हूं वॉल्यूम क्यों कम है। एक मिनट रखिए, रुकिए। हाँ जी, अब दौड़ो देखो अगर मैंने कुछ वॉल्यूम में कुछ चेंजेस किए हैं, आप देखिए। ओके, अभी मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम हल्का सा कैमरा से मैंने वॉल्यूम बढ़ा लिया है, माइक लेवल बढ़ा दिया है, तो प्लीज अब मेरी बात को ध्यान से समझें। मैं बात कर रहा था डाउट्स की। बच्चों, डाउट्स दो तरीके से हो सकता है। एक, स्टूडेंट को क्लास में ही डाउट आता है, लाइव सेशन में पढ़ते पढ़ते वक्त डाउट आ गया, बहुत अंदर से तीव्र इच्छा हो रही है, पूछ लो, बट अगर उस टाइम पे मैं कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और आपको वो कॉन्सेप्ट में ही बीच में डाउट आ रहा है, तो पहले आप वेट करेंगे कि सर अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लें। हो सकता है, क्या पता, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते होते मेरा डाउट भी अपने आप क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद आप डाउट पूछेंगे, या फिर मैं खुद आपको बोलूंगा बच्चों इतना क्लियर, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी मैं आपसे पूछूंगा, तो आप उस टाइम पर मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब क्लास में तो डाउट आपने पूछ लिया, बट आप मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जब हम क्लास देख चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पे डाउट जनरेट हुआ, सर तब क्या करें? तब आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है ना, तब आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। सर डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते? बेटा एक बात बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह 8:30 बजे से लेकर अपनी क्लासेस में एंगेज होता है, मुझे बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता है नाश्ता या खाना खाने के लिए, फिर 1:15 बजे तक क्लास होती है, फिर मुझे अपनी सीए फाइनल की क्लासेस में एंगेज होना पड़ता है, मेरी साथ साथ सीए फाइनल की रिकॉर्डिंग चल रही है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी कि मैं आपका फोन उठा लूंगा एक ही बार में, इसीलिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है ना, अब सर जब आप व्हाट्सएप करेंगे ना मुझे, तो आपको मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, आपको ऐसा कोई मैसेज आएगा, आपको ऐसा कोई मैसेज आएगा कि क्या लिखा है, हाय इफ यू आर स्टूडेंट प्लीज सेंड मी द फॉलोइंग डिटेल्स, फर्स्ट योर नेम, सिटी, सब्जेक्ट, परचेज इफ एनी और रेगुलर फास्ट ट्रैक बूस्टर। अब आपने मेरा चाहे सब्जेक्ट परचेज किया है चाहे नहीं किया है, अगर आपको मुझसे बात करनी है, मुझसे कम्युनिकेशन करना है, चाहे डाउट्स के रिगार्डिंग चाहे कोई अदर बात करनी है, बिना अपना नाम और सिटी बताए आप मुझसे बात नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर मैंने आपका लेक्चर परचेज नहीं किया है, तो वो बेचारे सोचते हैं अब मैं क्या रिप्लाई करूं, छोड़ो यार मैं अपना नाम नहीं बताता। आपने चाहे मेरे सब्जेक्ट परचेज किया हो चाहे नहीं किया हो, आपको ये ऑटो रिप्लाई आएगा। जैसे ही आप मुझे मैसेज करते हो आपको ये ऑटो रिप्लाई आएगा, सेम टाइम पे आपको मुझे इसकी डिटेल बतानी पड़ेगी। साथ साथ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी स्टडी रिलेटेड डाउट प्लीज मेक श्योर यू आर ऑल्सो सेंडिंग मी रिलेवेंट क्वेश्चन एंड सोल्यूशन इमेज अलॉन्ग विद योर डाउट। अगर आपको किसी सोल्यूशन में प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको किसी
क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप क्वेश्चन और सॉल्यूशन का इमेज मुझे साथ में भेजेंगे. यू हैव टू कीप पेशेंस फॉर रिप्लाई फ्रॉम माई साइड. जनरली इट टेक्स 2 to 3 days. इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग इन 2 to 3 days, यू कैन कॉल मी. 2 से 3 दिन के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूं. मुझसे गलती भी हो सकती है, मैं शायद 2 से 3 दिन में आपका आपका मैसेज नहीं देख पाया. जैसे मेरे व्हाट्सएप पे पेंडिंग मैसेजेस पड़े रहते हैं, तो आप मुझे 2 से 3 दिन बाद आप मुझे फोन कर सकते हैं कि सर मैंने आपको भेजा था, प्लीज मुझे मेरा डाउट सॉल्व कर लीजिए. आप मुझे फोन कर सकते हो 2 से 3 दिन बाद. सो बेटा ये अपनी क्लास का बेसिक रूल है कि अगर आप मुझसे डाउट्स पूछना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछोगे. लाइव क्लास में डाउट पूछना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यू आर वेलकम टू आस्क द डाउट्स, बट ओनली व्हेन आई कैन कंप्लीट माय पर्टिकुलर टॉपिक ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. मैं अपना वाला पॉइंट खत्म कर दूं, उसके बाद आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो. ठीक है, तो ये था डाउट्स पूछने का बेसिक रूल. दूसरी बात सर, अकाउंट्स का जो पेपर होता है, सर जो अकाउंट्स का पेपर नंबर 1 होता है, सर क्या ये 100% प्रैक्टिकल है? द आंसर इज यस, ये 100% प्रैक्टिकल है. सर इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे? बिल्कुल. अब क्योंकि ये पेपर 100% प्रैक्टिकल है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पेपर बहुत छोटा आएगा. या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पेपर इतना बड़ा आ गया और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही थी, आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में नहीं किए थे, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के गए थे, इसीलिए आपका पेपर छूट गया. 3 घंटे आपके लिए सफिशिएंट नहीं रखे. ठीक है ना, तो ये अजम्पशन हमेशा याद रखना अकाउंट्स के पेपर के लिए. मैं एडवांस अकाउंट्स में भी हर बच्चे को यही बोलता हूं, अजम्पशन ये हमेशा याद रखना कि अकाउंट्स का पेपर ऑलवेज लेंदी आएगा. लेंदी की स्पेलिंग जो भी होती है मेरे को नहीं पता, लेंदी आएगा. अकाउंट्स का पेपर ऑलवेज लेंदी आएगा. तो ये बोलना एग्जाम सेंटर के बाहर निकल के पेपर बहुत लेंदी आया था बॉस, पेपर बहुत लेंदी आया था, ये बातें नहीं चलनी चाहिए, एटलीस्ट इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जयसर. बिकॉज जयसर ने आपको पहले ही दिन बता दिया है कि अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट, अकाउंट्स हो गया, एडवांस अकाउंट्स हो गया, आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग कॉस्टिंग भी, ये पेपर बेटा लेंदी आते हैं. और बात बताऊं आपको, एक लेंदी तभी लगता है जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हुई होती, जब हमारी प्रैक्टिस सफिशियंट नहीं होती. तो हमें करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस, हमें मतलब क्लास में भी और क्लास के बाद भी आपको. ठीक है, तो अकाउंट्स का पेपर आएगा बॉस लेंदी, तो ये बात तो अजम्पशन में ले लो. तो अगर आप कोई मतलब इस लेंदी के बेसिस पर अगर किसी को कोई रीजन बताना चाहते हो, पेपर तो अच्छा गया पर लेंदी था, लेंदी वाला रीजन हटा दो और कुछ रीजन सोच लो, पर लेंदी वाला रीजन मत बताना किसी को. अगर कोई स्टूडेंट आपको आके बोल रहा है पेपर लेंदी था, तो समझ जाना वो जयसर का स्टूडेंट नहीं है. पेपर पहले दिन से ही मैं आपके दिमाग में बात डालना चाह रहा हूं, अकाउंट्स का पेपर लेंदी होगा. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस करनी है. रूल नंबर 3, टेस्ट, क्लास टेस्ट. रूल नंबर 3, क्लास टेस्ट. क्लास टेस्ट के बारे में यह बताऊंगा कि हम जैसे अभी हम स्टार्टिंग के 2 से 3 4 क्लासेस हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो उसका कोई टेस्ट नहीं होगा. जैसे ही हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, एक चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर दूसरा चैप्टर चलेगा, दूसरा चैप्टर कंप्लीट होगा, तो मैं चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लूंगा. मतलब एक एक चैप्टर होगा, मैं टेस्ट नहीं लूंगा. कम से कम मिनिमम 2 चैप्टर होना जरूरी है, उसके बाद मैं आपके टेस्ट लेना शुरू करूंगा. क्या टेस्ट भी लाइव चलेगा या कैसे? नहीं, टेस्ट का क्या होगा, टेस्ट का मैं आपको टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा विथ सॉल्यूशन. मतलब ऑब्वियसली सॉल्यूशन शीट सेपरेट होगी. टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा वीस्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पे. जब अपलोड करूंगा तो उससे पहले मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि बच्चों मैंने टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है, आप टेस्ट दे दीजिए. ठीक है ना, आपको टेस्ट देना है और उसके साथ उसका सॉल्यूशन रहेगा, आपको खुद चेक करना है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम माय साइड या फ्रॉम एनी अदर फैकल्टी कि आपका फैकल्टी टेस्ट पेपर चेक करेगा, नहीं करेगा बेटा. आपको खुद पेपर को सॉल्व करना है और खुद सॉल्यूशन के साथ चेक करना है. बट यस, अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसके लिए मैं बैठा हूं, डेफिनेटली डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो. मुझे बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, इन 3 चीजों में कोई प्रॉब्लम मुझे बताइए.
मुझे लगता है सब लोग शांत हो गए ये सोचकर कि सर पेपर लेंथी आता है, आपने ये बात तो बता दी बट ना हम इसको हजम नहीं कर पा रहे। ओके चलिए कोई डाउट नहीं। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे, बीच बीच में सॉल्व करवाए जाएंगे। अच्छा रूल नंबर 4, इसको रूल बोलो नहीं बोलो जो भी है, एक बात बताना जरूरी है। आपको जो मेरे बुक्स दिए जा रहे हैं, आपको जो बुक्स दिए जा रहे हैं, जय सर के बुक्स, जय सर के जो बुक्स दिए जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस कहां से कवर किए गए? क्वेश्चंस कवर्ड फ्रॉम आईसीएआई मटेरियल प्लस ओल्ड सिलेबस मटेरियल। सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड ओल्ड सिलेबस मटेरियल। तो जो आपको मेरी बुक मिल रही है उसमें आईसीआई का मटेरियल पूरा कवर है प्लस सिलेक्टेड ओल्ड सिलेबस का मटेरियल पूरा कवर है, इसमें आपको कोई शक नहीं होगा, टेंशन मत लो। बट इसके अलावा प्लस आपको जो अलग से एक क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक, ये आपको एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर इंट्रो लेक्चर में बताया था। इस क्वेश्चन बैंक में आपको आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम पेपर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस मैं आने वाले दिनों में और एक एडिशनल शीट प्रोवाइड करने वाला हूं, एडिशनल शीट। सर ये एडिशनल शीट क्या है? सर ये एडिशनल शीट क्या है? सम न्यूली एडेड क्वेश्चंस रिसेंटली बाय आईसीएआई। आईसीएआई ने अभी लगभग 10 दिन पहले, 10 दिन पहले आईसीआई ने अभी 10 दिन, जस्ट 10 दिन हुए हैं पहले, अपने मॉड्यूल्स को, सारे सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स को चेंज किया है, रिवाइज किया है। टेंशन मत लो, हमारी जो क्लासेस हैं बिल्कुल अपडेटेड हैं, अच्छी बात यह है, ठीक है ना। आईसीआई ने अपने मॉड्यूल्स को May 21 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट से रिवाइज कर लिया है। सर उसमें क्या रिवीजन किए? अकाउंट्स में कभी कोई अमेंडमेंट नहीं होता, थोड़े बहुत छोटे मोटे अमेंडमेंट एएस में हो सकते हैं बट वो भी ना के बराबर, 5%, सिर्फ और सिर्फ 5%। तो अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अमेंडमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट इंस्टीट्यूट ने क्या चेंज किया है? इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल्स में जो रिविजन किए हैं उसमें उन्होंने कुछ हल्के फुल्के हर चैप्टर में दो तीन क्वेश्चन ऐड किए हैं, हर चैप्टर में दो तीन क्वेश्चन ऐड किए हैं, और किसी किसी चैप्टर में तो डिलीट भी किए हैं, एक आध क्वेश्चन डिलीट भी किया है। यस डिलीट भी किया है। तो आपको जो मेरी बुक्स मिल रही हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी आईसीआई के मटेरियल के अकॉर्डिंग कर लिया है। पर हुआ क्या था, मुझे नहीं पता था कि यार इंस्टीट्यूट चेंज कर देगा, मैंने तो अपनी बुक्स प्रिंट करवा ली पहले से ही। अब प्रिंट करवाने के बाद साला आईसीआई ने कुछ अपडेशंस कर लिए। सो व्हाट आई हैव डन, मी एंड माय टीम आर वर्किंग ऑन सच टाइप ऑफ न्यूली एडेड क्वेश्चंस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज न्यूली एडेड क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा शीट बना रहे हैं, एक्स्ट्रा शीट, और वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करूंगा, और जैसे ही वो मेरा शीट पहले काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो मैं उसकी हार्ड कॉपी बुक्स के साथ भी दूंगा। हालांकि वो बहुत ही पतला, आप फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, और वो कलर्ड रहेगा, डोंट वरी। तो आप वो फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो, बहुत ही पतला रहेगा, मतलब हार्डली 30 से 40-50 पेजेस रहेंगे उसमें, कोई ज्यादा बड़ा मुझे नहीं लगता कि उसमें ज्यादा कुछ रहेगा, बड़ा रहेगा तो डोंट वरी, हार्ड कॉपी तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आगे चल के। सो ये एडिशनल शीट आपको न्यूली एडेड क्वेश्चंस बाय आईसीआई, ये मेरी तरफ से अलग से प्रोवाइड होगी। फिलहाल उसको आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करूंगा। तो सर इसमें रूल क्या है? रूल ये है कि एक तो मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो, हमारे जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी अपडेटेड हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। बस ये है कि जो दो तीन क्वेश्चन किसी किसी चैप्टर में न्यूली ऐड हुए हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंसेप्ट ऐड हुए हैं, ठीक है ना,
और मैंने वो क्वेश्चंस भी देखे, एक्चुअली वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, वो आरटीपी से लिए गए क्वेश्चन है, वो कोई नए क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल नए नहीं हो गए कि बिल्कुल ही मतलब उन्होंने कोई नया कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, रोज मेरा लेक्चर 1:15 बजे तक चलेगा, 12 से लेकर 1:15 बजे तक, पर ये रूल मैं आपको बता देता हूं। अब ये जो मैं करवाऊंगा, अच्छा अब इसका रूल सुनो, हम क्लास में ये वाले क्वेश्चन तो सारे करेंगे, क्लास में हमारे ये सारे क्वेश्चंस होंगे, मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस में भी सारे करवाए गए हैं, लाइव में भी हम सारे डिस्कस करेंगे। व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन बैंक और एडिशनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंक और एडिशनल शीट, जब इसकी बात चलेगी तो इसको कैसे किया जाएगा, ये लास्ट रूल है, प्लीज इसको समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये दोनों चीजें मेरा एक्सपेक्टेशन है बच्चों से कि बच्चों ये दोनों चीजें आपको भी करनी है, तो इन दोनों के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक मेरा चैप्टर खत्म हो गया, सो आई विल प्लान अ सेपरेट लाइव लेक्चर फॉर डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन बैंक एंड एडिशनल शीट। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक चैप्टर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये एक चैप्टर है, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, मैं आपको करवाऊंगा सबसे पहले यही, आज से नहीं 1-2 दिन बाद। तो हमारा एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कहां से किया, अपनी मेन बुक से किया, क्लास वर्क बुक से। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में कवर किए गए, उसके जो एडिशनल क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट ने 2-4 क्वेश्चन दिए, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट लाइव लेक्चर लूंगा, मैं इसको नॉर्मल क्लास का पार्ट नहीं बनाऊंगा, और वो सेपरेट लाइव लेक्चर हमेशा हर चैप्टर का रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, और वो यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, मतलब वो मैं यूट्यूब से वापस हटाऊंगा नहीं, डिलीट नहीं करूंगा, तो कोई भी ऐसे लेक्चर्स मेरे अटेंड कर सकता है लाइव, और बाद में भी देख सकता है एग्जाम टाइम में, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बट जब मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा क्वेश्चन बैंक का और एडिशनल शीट का, तो उस टाइम पर मान लीजिए हमारे पास उस चैप्टर में 10 क्वेश्चंस, टोटल 10 क्वेश्चंस टू बी डिस्कशन करने वाले हैं, तो मैं उनमें से 10 में से सिर्फ उतने ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, जो रिपीटेटिव लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कहीं ना कहीं हम अपनी क्लास में कर चुके थे, वो मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे बन जाएगा कि आप उनकी खुद की प्रैक्टिस करोगे। ये चीजें अलग से देने का रीजन क्या है, आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो और आप खुद प्रैक्टिस करें, आपको स्पून फिडिंग ना करवाई जाए। ये सारे के सारे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे मैं नहीं करवाऊंगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा इन दोनों के, ठीक है, और इनके जो भी लेक्चर्स होंगे वो लाइव यूट्यूब पे होंगे, इवन रिजल्ट के बाद भी लाइव इन दोनों के लेक्चर्स होते रहेंगे, हफ्ते 10 दिन में एक एक बार लेक्चर होता रहेगा, मतलब रिजल्ट के बाद भले मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस आप देखते रहेंगे, बट क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन और एडिशनल शीट का डिस्कशन हमेशा लाइव ही चलेगा, और लाइव के बाद वो यूट्यूब पर लेक्चर रखा रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? प्रियांशु सिंह, व्हेन आई गोइंग टू बाय लेक्चर, द बुक कॉस्ट आल्सो इंक्लूड्स इन दैट प्राइस, इधर आई हैव टू बाय सेपरेटली? अगर आप लेक्चर्स खरीद रहे हो तो लेक्चर्स में बुक कॉस्ट शामिल होती है, ये एक अजम्पशन लेके चलना वी स्मार्ट के साथ, तो वी स्मार्ट में अगर आप लेक्चर परचेस कर रहे हो तो आपको बुक साथ में ही मिलेगी। चलिए मुझे बताइए इसमें कोई डाउट? तो इसके रिगार्डिंग आपको ये बात हमेशा याद रखनी कि क्वेश्चन बैंक और एडिशनल शीट आपको मेरी तरफ से जो एडिशनल शीट प्रोवाइड होगी उसका हम डिस्कशन सेपरेट लेक्चर्स में करेंगे। कोई 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 दिक्कत? कृष्ण कुमार, तरुण, सौरव, प्रतीक, इतने सारे बच्चे होने के बाद सिर्फ हमारे साथ 4-5 बच्चे ही मुझे बोल रहे हैं कि नहीं सर कोई डाउट नहीं, क्लियर है, बाकी बच्चे सब सो रहे हैं क्या, या फिर लेक्चर लगा के चले गए नहाने धोने? यस, क्वेश्चन बैंक में आरटीपी एमटीपी चैप्टर वाइज होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, उसके पूरे उस चैप्टर के पूरे आरटीपी के एक साथ, फिर एमटीपी, फिर पास्ट एग्जामिनेशन एक साथ। ठीक है, चलिए तो मुझे ये बातें आपको डिस्कस करनी थी, अब आते हैं अपन मुद्दे पे। सर हमें रजिस्टर बनाना है सेपरेटली? बिल्कुल, आपको रजिस्टर बनाना है, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं, आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है, सेपरेट रजिस्टर बनाना है आपको, लगभग अप्रोक्स 250 पेजेस का,
सर इससे मोटा बनाएंगे चलेगा? मोटा मत बनाओ ना, थोड़ी सी ना मेंटलिटी देखकर खराब हो जाती है बाद में ना, मोटा मोटा देखेंगे बोलेगा अरे यार इतना सब कुछ करना है। पतले पतले रजिस्टर होते हैं ना, तो उठाने में ना एक मेंटलिटी रहती है इंसान की, हाँ यार चलो ठीक है यार उठा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो 250 मैक्सिमम 250 पेजेस के रजिस्टर लो, फिर एक बनाना पड़े दो बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सर जो क्वेश्चन स्किप होंगे उनके सॉल्यूशन मिलेंगे क्या? बेटा मेरे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे, एडिशनल शो शीट में आपको दूंगा उसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे, तो सॉल्यूशन हमेशा साथ में रहेंगे आपके, डोंट वरी, सॉल्यूशन हमेशा साथ में रहेंगे, सॉल्यूशन हमेशा साथ में रहेंगे, डोंट वरी। तो आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है फॉर चैप्टर्स, और एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सेपरेट सेपरेट रजिस्टर। मैं पहले ही दिन क्लियर करूं, एएस के लिए मैं आपसे सेपरेट रजिस्टर बनवाऊंगा, आपको सेपरेट रजिस्टर बनाना है। उसका रीजन, एएस आपको सीए फाइनल में काम आएंगे, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि सीए फाइनल में आप बैठे हो, आप इवन आर्टिकलशिप कर रहे हो, आपको लगा कि यार ये एएस मैं पढ़ लेता हूं, तो आपने वो कॉपी सेपरेट खोली और आपने पढ़ लिया, तो आपको फायदा होगा, कभी कभार ऐसा भी होगा। और एएस क्योंकि 25-30 मार्क्स का है, उसकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करो। मैंने बहुत बार देखा है अकाउंट्स के पेपर में टीचर लोग एएस की इंपॉर्टेंस बताते ही नहीं है। एएस की इंपॉर्टेंस इतनी है बेटा कि एएस ग्रुप वन में 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, ग्रुप टू में 30 मार्क्स, लगभग लगभग 60 मार्क्स का तो आपके सीए इंटर में पूछा जाता है, और सीए फाइनल में वो आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो एएस को बिल्कुल हल्के में मत लेना, बहुत जबरदस्त तरीके से इसके लेक्चर्स होने वाले हैं। एएस की मॉड्यूल अलग है क्या? एएस की अपनी मॉड्यूल अलग रहेगी। ट्रंप साला नालायक, बच्चे कुछ नहीं सुनते हैं पिछली क्लासेस में और अभी पूछते रहते हैं। एएस के नोट्स भी आप ये मान लो कि 150 पेजेस से लेकर 200 पेजेस के बीच में होने चाहिए, इससे ज्यादा मोटा रजिस्टर मत मत बनाना, नहीं तो एक ना एक फालतू की मेंटेलिटी हो जाती है यार इतना मोटा कैसे होगा क्या होगा। वहीं उसी की जगह दो अलग अलग पतले पतले रजिस्टर होते हैं ना, तो हमें लगता है हाँ यार हो जाएगा, तो ये बात याद रखना। आईसीआई मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो कैसे करवाऊंगा, किस तरीके से करवाऊंगा वो मैं जानता हूं, अभी उसको आप मत पूछिए, अभी आप मेरा इंटरव्यू मत लीजिए सर आप क्वेश्चन कैसे करवाओगे कैसा, वो आपको धीरे 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 स्लोली स्लोली मालूम पड़ जाएगा, डे बाय डे मालूम पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, पर एएस का रजिस्टर अभी नहीं बनाना है, एएस अभी बात की बात है, एएस अभी बात की बात है। कोई अगर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेज कर चुका है या करने वाला है और वो लाइव लेक्चर्स नहीं कर रहा है फिर भी अगर मुझे सुन रहा है, तो आप एएस सबसे बाद में करेंगे, पहले पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, हम एएस बाद में करेंगे, ठीक है ना? ये होगा। चलो अब आते हैं मुद्दे पे, अब आते हैं मुद्दे पे। यस तनुजा बिल्कुल ठीक, आप उठाओ अपनी कॉपी, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कॉपी उठाओ अपनी, उठाओ अपनी कॉपी उठाओ। उठाइए अपनी कॉपी उठाइए, अभी अगर रजिस्टर नहीं भी है कोई बात नहीं, कुछ भी है आपके आसपास उठा लो, रजिस्टर लेके आना बाद में। बच्चों मैं चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने लिख रहा हूं जिनका मीनिंग हमें अकाउंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है, और एक सीए स्टूडेंट को उसका मीनिंग पता होना चाहिए, सीए स्टूडेंट को पता होना चाहिए, सीए इंटर के स्टूडेंट को उसका मीनिंग पता होना चाहिए। दीज वर्ड्स आर, द फर्स्ट वर्ड इज रिकग्निशन, सेकेंड इज मेजरमेंट, थर्ड इज प्रेजेंटेशन, और फोर्थ इज डिस्क्लोजर। आपको ये चारों वर्ड्स लिखने हैं अपनी कॉपी में। हम अभी सबसे पहले ये पता करना चाहते हैं कि सर ये चारों चीजों का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चारों चीजें आगे आने वाली क्लासेस में बहुत बार कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी, स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते टाइम तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, ठीक है ना? तो ये सर चार चीजें क्या होती हैं, सर इनका मतलब क्या होता है? चलिए लेट अस
स्टार्ट विथ रिकॉग्निशन, लेट अस स्टार्ट विथ रिकॉग्निशन। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो सकता है, और उन्होंने फाउंड मैंने शायद मुझे याद आ रहा है मैंने फाउंडेशन में भी इन चीजों का मतलब समझाया हुआ है, शायद फाउंडेशन में इन चीजों का मैंने मतलब समझाया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर आपने मेरी फाउंडेशन की क्लासेस देखी थी तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद आपको पता होगा इसका मतलब। सो टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्निशन। अगर आपको पता है, नहीं पता है, कुछ भी है, आपने क्लासेस देखी है, नहीं देखी है, आप किसी और से कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा है, हमें तो पता होना चाहिए ये क्या वर्ड है। बताइए, अंकित यादव, गायत्री व्यास, जशनप्रीत कौर, मुकुल गर्ग, पारुल अग्रवाल, मैंने जिन बच्चों के नाम लिए उन्होंने सही बोला। साक्षी राय, बच्चों रिकॉग्निशन इन अ सिंपल लैंग्वेज, इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, रिकॉग्निशन मींस टू रिकॉर्ड, रिकॉग्निशन मींस टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन और इवेंट, किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट की रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड करना। हम अकाउंट्स में क्या करना होता है, हम किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को समझने कैसे समझेंगे, ऑब्वियसली हम जब तक उसको रिकॉर्ड नहीं कर लेते तब तक हम समझेंगे नहीं। मैंने आज जाके क्लासेस परचेज की, मैंने आज जाके मशीन परचेज की, मैंने आज जाके गुड्स परचेज किए, मैंने उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो क्या मेरे अकाउंट्स बने क्या, क्या मैं उन अकाउंट्स के बेसिस पर डिसीजन ले पाऊंगा क्या? द आंसर इज नो। सोचो तो बड़ा सोचो, मन नहीं तो मत सोचो, ये बात समझना। सोचो तो बड़ा सोचो, नहीं तो मत सोचो। एक कंपनी जो शेयर्स इशू करना चाहती है मार्केट में, उसको पैसों की जरूरत है, वो पब्लिक से कह रही है कि प्लीज पैसे दे दीजिए, हम आपको शेयर इशू करना चाहते हैं, वो पब्लिक कंपनी में पैसा क्यों लगाएगी? और पैसा लगाएगी तो उससे पहले वो कंपनी के बारे में पता करेगी कि नहीं करेगी? और पता करेगी तो उसके लिए, पता करने के लिए वो कहां जाएगी, किसके पास जाएगी? वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगी, वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगी, मतलब वो कंपनी के बैलेंस शीट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पब्लिक देखेगी कि देखे तो सही, पांच पुराने तीन चार साल में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। अब एक बात बताओ, ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया गया? सबसे पहले जर्नल एंट्री की गई होगी, तो जर्नल एंट्री करने का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्निशन मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी इवेंट को रिकॉर्ड करना, ताकि आगे उसके बेसिस पर हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें, हम बैलेंस शीट बना सकें, पीएनएल बना सकें, ताकि उस बैलेंस शीट पीएनएल के बेसिस पर कोई भी व्यक्ति जो भी कंपनी में अपना इंटरेस्ट रखता है, कोई भी व्यक्ति उस बैलेंस शीट को पढ़ के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के, पीएनएल को पढ़ के डिसीजन ले सके। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? सो अकाउंट्स बनाना जरूरी क्यों है? अकाउंट्स बनाना जरूरी इसीलिए है ताकि कंपनी और कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको डिसीजंस लेने हैं। कंपनी अगर अकाउंट्स बनाएगी तो अकाउंट्स एक इंफॉर्मेशन देगी, कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, कंपनी के जो बैलेंस शीट हैं, कंपनी के जो पीएनएल हैं, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करते हैं हमें। आज अगर मैं तुम्हें बोलूं कि रिलायंस की बैलेंस शीट देखो और पीएनएल देखो और उसके बेसिस पे मुझे बताओ कि रिलायंस पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, तो तुम्हें वो बैलेंस शीट पीएनएल पढ़ने के लिए, वो बैलेंस शीट पीएनएल अवेलेबल भी तो होनी चाहिए, वो तुम्हें इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट देगी। पर बैलेंस शीट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हर एक आइटम को, हर एक इवेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ आइटम को रिकॉर्ड करें, कुछ को ना करें, तो इसका मतलब आप इनकंप्लीट रिकॉग्निशन कर रहे हो। अगर रिकॉग्निशन करना है तो पूरा रिकॉग्निशन करो, तभी तो आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में दे पाओगे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो रिकॉग्निशन करना इन अ सिंपल लैंग्वेज, किसी भी ट्रांजैक्शन को,
चाहे वो ट्रांजेक्शन असेट से रिलेटेड है, लाइबिलिटी से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, ड्रॉइंग से रिलेटेड है, कोई भी आइटम हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी इवेंट। सर इवेंट मतलब देखिए, ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज की जरूरत पड़ती है, ट्रांजेक्शन करने के लिए दो पार्टीज की जरूरत पड़ती है, सेल परचेस, लोन देना लोन लेना, ठीक है ना। पर इवेंट में दो पार्टीज की जरूरत नहीं पड़ सकती। हो सकता है इवेंट मतलब मेरा गुड्स रखे रखे खराब हो गए, दिस इज एन इवेंट। क्या ये ट्रांजेक्शन है? नो, दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, ये इवेंट है। इवेंट का मतलब होता है इवेंट में कोई भी दो पार्टी जरूरी नहीं है। इवेंट मतलब मुझे लॉस हो गया, मेरा कैश चोरी हो गया, अर्थक्वेक के कारण मेरे मशीन पर लॉस हो गया, मेरी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, दिस इज एन इवेंट। क्या इसको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है? ऑब्वियसली, क्योंकि ये तेरे बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होंगे उनको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है, मतलब रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया कि नहीं। यस, वेरी गुड। आई बात समझ में कि नहीं? सो रिकॉग्निशन मतलब क्लियर है सबको? कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आइडेंटिफाई करना। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर टू रिकॉग्नाइज। अरे क्या रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना। यहां पर बात समझ में आ रही कि नहीं? रिकॉग्नाइज करना मतलब रिकॉर्ड करना। बेटा सबसे पहली स्टेप ही अकाउंट्स को समझने की सबसे पहली स्टेप ही है रिकॉग्नाइज करना। आई बात समझ में कि नहीं? जब तक तू रिकॉर्ड नहीं करेगा तब तक आगे कैसे बढ़ेगा, तब तक तेरे बैलेंस शीट पीएनएल कैसे बन पाएंगे? अच्छा, मैं कभी भी अगर वर्ड यूज करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो समझ जाना मैं बैलेंस शीट पीएनएल की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेजरमेंट मतलब क्या बताइए? मेजरमेंट मतलब क्या? मेजरमेंट मतलब क्या? टेल मी। अंकित यादव, सौरभ गुप्ता, मुकुल गर्ग, श्रेष्ठ गोयल, ये वाला आंसर हर कोई सही दे रहा है, हर कोई सही दे रहा है क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बता, मैं मशीन खरीद के लाया तो मेरा फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्नाइज करना, रिकॉर्ड करना। तो मैंने मशीन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड तो कर लिया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है दोस्त? किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? क्या वैल्यू? आई बात समझ में कि नहीं? तो मेजरमेंट मतलब उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वैल्यू को रिकॉर्ड करना। और अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सुन लो मेरी बात, अभी खत्म नहीं हुआ है। मेजरमेंट मतलब जब तुम कोई भी पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो उसकी वैल्यू करना, प्लस बैलेंस शीट डेट पर, सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मैंने मशीन खरीदी, कितने की खरीदी? 2 लाख रुपए की। मैंने मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपीज की। मैंने मशीन को रिकॉर्ड किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने पे रिकॉर्ड किया? 2 लाख। सो 2 लाख इज व्हाट? द मेजरमेंट। 2 लाख इज व्हाट? मेजरमेंट। सर मैंने किस पे मेजर किया? कॉस्ट पे। सो मेजरमेंट आपके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कॉस्ट में मेजर कर सकते हो, जो कि हम जनरली करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। आपने पढ़ा भी होगा, आपने सीए फाउंडेशन में या 11th 12th में अगर कॉमर्स के होंगे तो, या तो फाउंडेशन में पढ़ा होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। मेजरमेंट करने के हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच के अलावा भी तरीके होते हैं, मार्केट वैल्यू अप्रोच, मतलब आप किसी भी चीज को मार्केट वैल्यू पे मेजर कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को। मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि सर कौन सी चीज को किस पे मेजर करना पड़ता है। डोंट वरी, अभी मत पूछना कि सर इसको किस पे करते हैं, सर उसको किस पे करते हैं, ऐसे तो फिर बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी 100-150 आइटम्स की, ठीक है ना। तो मेजरमेंट मतलब पहली बार जब तुम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो उसको मेजर करना, उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है वो। और अभी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की, ठीक है, 1 अप्रैल को। 31 मार्च को क्या ये मशीन 2 लाख पे ही होनी चाहिए क्या? द आंसर इज नो। इस मशीन के ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। अच्छा हाँ, डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, तो मैंने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया। अब डेप्रिसिएशन के बाद रिमेनिंग मशीन कितने की बचनी चाहिए? मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 20,000 रुपीज का, तो मैंने मशीन को बैलेंस शीट डेट पर कितने पे मेजर किया? 180 पे। सो द मशीन इनिशियली इट वॉज मेजर्ड एट 2 लाख व्हेन आई परचेज्ड, नाउ इट इज मेजर्ड ऑन बैलेंस शीट डेट, इट इज मेजर्ड एट 180। सो इट इज अगेन मेजरमेंट। एक ही आइटम का बार 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 मेजरमेंट भी हो सकता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं?
एक और एग्जाम्पल, नो नो कौन बोल रहा है रे, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? एक और बात, ये नो क्यों बोल रहे हो? नो क्या हुआ प्रियांशु सिंह कृष्ण कुमार, नो क्यों? अभी नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, क्लियर है ना? ओके, एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने गुड्स परचेज किए, मैं कैलकुलेटर बेचता हूं, ठीक है ना? मैं कैलकुलेटर बेचता हूं, मैं कैलकुलेटर बेचता हूं, मैं कैलकुलेटर खरीद के बेचता हूं। ये कैलकुलेटर मैं कितने का खरीदता हूं? 80 रुपीज का कैलकुलेटर खरीदता हूं और मैं इसको बेच देता हूं 100 रुपीज पे। 80 रुपीज का खरीदता हूं, बेच देता हूं 100 रुपीज पे। मैंने ऐसे 1000 कैलकुलेटर परचेज किए, मैंने ऐसे 1000 कैलकुलेटर परचेज किए 80 रुपीज के हिसाब से, मतलब 80,000 के। तो सबसे पहले मैंने इस कैलकुलेटर को मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड किया सबसे पहले रिकॉग्नाइज, फिर उसको कितने पे रिकॉर्ड किया? 80,000 रुपीज पे, 80 रुपए के हिसाब से। पूरे साल भर में मैं कैलकुलेटर नहीं बेच पाया, कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया, मेरा सेल नहीं हुआ। कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया, मेरा सेल नहीं हुआ। ये कैलकुलेटर की वैल्यू भी खराब हो गई, ये कैलकुलेटर की वैल्यू भी खराब हो गई, मेरी बात समझना। पर ये कैलकुलेटर आज भी मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है, तो जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट में ये कैलकुलेटर क्या दिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक। मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक। और मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करूंगा, मैं बोलूंगा कितने में खरीदा था भाई तेरे को मैंने, मैंने तेरे को 80 रुपए के हिसाब से खरीदा था, आज तू कितने का है, आज तेरी औकात क्या है, बता तेरी आज औकात क्या है। तो मैंने देखा कि अरे यार आज ये बहुत ही कम प्राइस पर है, अब मैं लॉस पे हो चुका हूं, ये कैलकुलेटर की वैल्यू नहीं बची। ये कैलकुलेटर क्योंकि वैसे ही चाइना मेड था और चाइना के नाम से लोग बहुत गुस्सा होने लगे हैं, तो इसीलिए अब इस कैलकुलेटर की वैल्यू 70 रुपए हो चुकी है। मतलब अगर मैं इसको बेचूंगा ना मार्केट में तो 70 रुपीज में बिकेगा, क्योंकि ये चाइना मेड कैलकुलेटर है, ठीक है ना? तो मैंने इसको बैलेंस शीट डेट पर कितने पे मेजर किया? 70 रुपए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट मतलब सिर्फ ये नहीं कि जिस टाइम पे तुम रिकॉर्ड करते हो उसी टाइम मेजर करना होता है, बाद में तुम्हें बैलेंस शीट डेट पे भी हर आइटम को चेक करना पड़ता है कि क्या इसका मेजरमेंट बदला है कि वही है। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट, अंडरस्टूड और नॉट? आपको समझ में आया कि नहीं? आपने पढ़ा होगा इन्वेंट्री का चैप्टर सीए फाउंडेशन में, और आपने उसमें पढ़ा होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे मेजर करते हैं हम अपनी इन्वेंट्री को बैलेंस शीट डेट पर मेजर करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये क्या है? ये एक मेजरमेंट का तरीका है, दिस इज अ मेजरमेंट अप्रोच, दिस इज द मेजरमेंट मेथड। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है कि नहीं? सो टू गिव वैल्यू वाइल रिकॉर्डिंग, टू गिव वैल्यू वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त आप उसको वैल्यू करते हो, एंड ऑल्सो ऑन बैलेंस शीट डेट टू चेक टू अगेन मेजरिंग असेट ऑब्लिक लाइबिलिटी। तो मेजरमेंट, मेजरमेंट ना सिर्फ रिकॉर्डिंग टाइम पे होता है, बैलेंस शीट टाइम पे भी मेजरमेंट होता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बच्चों क्लियर है यहां तक? हम इसको प्यार से कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। आप इसको बोल सकते हो इनिशियल, ये इधर अपन बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट, ये पहला वाला, और दूसरा होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट। इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड।
तीसरे पे आते हैं, प्रेजेंटेशन। बताइए बस, बताइए साहब, प्रेजेंटेशन मतलब क्या? बताइए साहब, प्रेजेंटेशन मतलब क्या? सौरभ गुप्ता, कनिका अग्रवाल, तरुण गुप्ता, अंशिका, अविरल, अविरल, रामेश्वर, हितेश मंगा मंगवानी। अरे ये तो अपना भाई है यार। दीपिका। ठीक है, मैंने जिन बच्चों के नाम लिए, और भी बच्चों ने सही बोला था बट मैं उनके नाम नहीं ले पाया, बहुत ज्यादा तेज चल रहा था चैट में। सो प्रेजेंटेशन, एक मेरे को बात बताओ, एक बड़ी सारी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, जिसके तो दिन भर में ही हजारों ट्रांजैक्शंस हो जाते होंगे, तो वो हजारों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते होंगे, चलो अच्छी बात है। फिर रिकॉर्ड तो कर लिया, उसको मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, मेजर कर लिया, मतलब जर्नल एंट्रीज कर ली। अच्छा, आज के दिन में ना ये कोई लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, पोस्टिंग करना, ये सब मैनुअल काम नहीं होते। ये आई होप आपको पता होगा कि सिर्फ आपको जर्नल एंट्री मैनुअल डालनी पड़ती है, मतलब आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अपने सॉफ्टवेयर में इंटर करना होता है, अपने आप सब कुछ हो जाता है, लेजर अपने आप बन जाता है, अपने आप पोस्टिंग हो जाती है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, सब्सिडरी बुक्स बन जाती है, कोई 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 ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं होता। तो अगर कोई ये कह रहा है कि भाई लेजर बनाना इस प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस करना इस प्रेजेंटेशन, ये सब नहीं होता, ये प्रेजेंटेशन नहीं होता, ये आपका कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन का एक पार्ट है। आपका सिर्फ एक, जब हम लेजर बनाते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो सिर्फ हम समराइज फॉर्म में अलग अलग करके दिखाते हैं ताकि हर अकाउंट की इंफॉर्मेशन मालूम पड़े। यहां पर प्रेजेंटेशन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जब आप बैलेंस शीट और पीएनएल में, जब आप बैलेंस शीट और पीएनएल में उन सारे आइटम्स को लेके आते हो। आप रिलायंस जैसी कंपनी जहां पर हजारों ट्रांजेक्शन एक दिन में हो रहे हैं, तो 365 डेज में सोचो कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे। अब उसमें बहुत सारे आइटम्स असेट्स के, बहुत सारे आइटम्स लाइबिलिटीज के, बहुत सारे आइटम, इमेजिनेशन करो, बहुत सारे आइटम्स इनकम्स के और एक्सपेंसेस के। अब हमने ऐसे ही दे दिए, रिलायंस ने बोला ये लो असेट्स के आइटम्स, ये लो लाइबिलिटीज के आइटम्स, ये लो इनकम्स के आइटम, एक्सपेंस के आइटम, बिना अरेंज किए हुए, बिना अच्छे से प्रेजेंट किए हुए। क्या पब्लिक या कोई भी व्यक्ति जो एंटिटी से कनेक्टेड है, मतलब यूजर, क्या उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएगा? नहीं। मुद्दा यह है कि प्रेजेंटेशन इस तरीके से करो ताकि कोई भी यूजर, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर, जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके कोई ना कोई डिसीजन लेने वाला है, उसको समझ सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसके बेसिस पर डिसीजन ले सके। मेरे को लोन चाहिए, मेरे को अपनी कंपनी चलानी है, मेरे को लोन चाहिए, बैंक के पास गया मैं, बैंक ने बोला मुझे कि बैलेंस शीट लाके दो, पीएनएल लाके दो। मैंने बोला सर बैलेंस शीट पीएनएल तो नहीं है, आप हमारे यहां पर आ जाइए, हमारे गोडाउन में आ जाइए, सारे असेट लाइबिलिटीज ये सब रखे हुए हैं, या एक काम करिए सर जर्नल एंट्रीज हमने करके रखी है, जर्नल एंट्रीज एक बार चेक कर लीजिए। बैंक बोलेगा पागल हो गया है क्या भाई, कान में बीड़ी लगाई क्या मैंने, हाँ मैं तेरे यहां पर आ जाऊं, मैं चेक करूं एक एक जर्नल एंट्री, मेरे को नहीं पता ये सब क्या होता है, मेरे को प्रेजेंट करके दे कि फाइनल साल भर में तूने तेरे परफॉर्मेंस पर कितना असर किया, तेरे असर पड़ा। बैंक मुझे लोन देगा मेरे बैलेंस शीट पीएनएल के बेसिस पर, उसके लिए प्रेजेंटेबल फॉर्म में असेट्स लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंस दिखाना तो जरूरी है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सो प्रेजेंटेशन। अच्छा एक और बात, अब जैसे फिक्स असेट्स है, तो मैं अगर फिक्स असेट को करंट असेट्स में दिखा दूं तो चलेगा?
क्या मैं स्टॉक को नॉन करंट एसेट में दिखा दूं चलेगा? क्या मैं शेयर कैपिटल को लाइबिलिटीज में दिखा दूं चलेगा? शेयर कैपिटल को मैं करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखा दूं चलेगा? गलत है। अगर मैंने ऐसा सब कुछ किया, अगर मैंने ये कांड किया, तो हो सकता है शायद मेरी कंपनी को लोन ना मिले। मेरी कंपनी के बेसिस पर जो व्यक्ति मेरी कंपनी के बेसिस पर जो डिसीजन लेना चाहते हैं, हो सकता है वो गलत डिसीजन ले ले। सो कौन सा आइटम सही जगह प्रेजेंट करना है ताकि डिसीजन प्रॉपर लिया जाए, उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। कौन सी असेट को मुझे करंट में दिखाना है, नॉन करंट में दिखाना है? कौन सी लाइबिलिटी को करंट में दिखाना है, नॉन करंट में दिखाना है? कौन सी चीज कैपिटल होती है, कौन सी चीज लाइबिलिटी होती है, यह समझना बहुत जरूरी है। उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। आई बात समझ में कि नहीं? सो प्रेजेंटेशन क्या बोलेंगे? टू प्रेजेंट असेट्स लाइबिलिटीज इनकम्स एक्सपेंसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एन अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ईशा ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, एक्सप्रेस द ट्रांजेक्शन, ताकि जब वो आइटम आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है तो वो चीख चीख के वो चिल्ला रहा है कि देखो क्या हुआ क्या हुआ। मतलब वो ट्रांजेक्शन को आपने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो देख के ही समझ में आ रहा है कि अच्छा उसका ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, उसके उसके चीजें क्या हुई थी। मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिव नेचर के होने चाहिए ताकि वो सारी चीजें आपको देख के समझ में आ जाए। अच्छा आपको सारी चीजें बोल के, अच्छा ये तो ये बता रहा है, मतलब ऐसा आ जाए समझ में। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेजेंटेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्लोजर? सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्लोजर? सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्लोजर? बहुत तेजी से चल रहा है। डिस्क्लोजर टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद करेक्ट वैल्यू एट करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, प्रोवाइड प्रॉपर फैक्ट्स एंड वैल्यूज विदाउट मिस स्टेटमेंट। वेरी गुड बिंदु मुकुल गर, वेरी गुड। दिव्या लालवानी, वेरी गुड। अच्छा मुझे कुछ डिस्क्लोजर का एग्जाम्पल दीजिए। मैंने अभी आपको इतने सारे, ये तीन पॉइंट्स में इतने सारे एग्जाम्पल दिए, उनसे कनेक्टेड कोई एग्जाम्पल बना सकते हो क्या डिस्क्लोजर से रिलेटेड? उनसे कनेक्टेड कोई एग्जाम्पल बना सकते हो क्या? पहले से ही लिख के बैठे थे अंकित। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि साला मैंने ऐसे हल्का सा बोला बस डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर पे बिल्कुल बताना शुरू। मुझे कोई एग्जाम्पल बताएगा? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वेरी गुड वेरी गुड। भाई अगर तूने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिसिएशन लगाया है पर यह बताया ही नहीं कि तूने कौन से मेथड से लगाया है तो कैसे चलेगा दीदी? तो डिस्क्लोजर में तेरे को बताना पड़ेगा ना कि तूने कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई किया है। और बोलो और बोलो। इन्वेंटरी, सर मेथड ऑफ इन्वेंटरी, वेरी गुड वेरी गुड। इन्वेंटरी, तूने इन्वेंटरी को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे मेजर किया है। अब सुन मेरी बात, तेरी इन्वेंटरी कैलकुलेटर की कॉस्ट थी ₹80 पर बाद में आके उसकी मार्केट वैल्यू एनआरवी हो गई ₹70, तो तूने ₹70 में मेजर किया। ऑब्वियसली तेरे बुक्स में लॉस दिख रहा होगा या तेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब तेरे से पब्लिक पूछ रही है, तेरे से यूजर पूछ रहा है प्रॉफिट क्यों कम हुआ, प्रॉफिट क्यों कम हुआ, प्रॉफिट। अब तेरे से व्हाट्सएप करके पूछेंगे क्या? बोलो हाँ, तेरे से व्हाट्सएप करके पूछेंगे क्या? ठीक है, ऐसा थोड़ी हो सकता। तो तेरे को उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से एक जगह पर डिस्क्लोजर में दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने इन्वेंटरी का मेजरमेंट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे किया है, इस बार इसकी एनआरवी ₹70 थी इसीलिए हमारा लॉस हो रहा है। सिंपल। तो डिस्क्लोजर जो करते हैं वो डिस्क्लोजर करना भी जरूरी है बैलेंस शीट पी&L के जस्ट बाद। आया समझ में बात की नहीं? इसके अलावा आपने बैड डेट्स, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया, आपने अपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया, कितना 15% बनाया।
क्यों बनाया भाई 15% उसका डिस्क्लोजर, क्योंकि आपने अगर 15% का प्रोविजन बनाया तो आपकी कुछ ना कुछ सोच रही होगी ना उसके पीछे, आप क्यों बना रहे हो उसके पीछे, आपका कोई ना कोई एस्टिमेशन रखा होगा, आपको कोई ना कोई रिस्क लग रहा होगा किसी न किसी पार्टी के ऊपर, तो आपने 15% ये फिगर किस बेसिस पे एस्टिमेट किया इसका डिस्क्लोजर दीजिए। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अंडरस्टूड गाइस? आपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पर मेजर किया है, सुनना, आपने इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी शेयर्स में, उसको मार्केट वैल्यू पर मेजर किया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया बिल्डिंग पे, पर उसको आपने कॉस्ट पे मेजर किया है, पर आपने बताया नहीं है कि किसको आपने मार्केट वैल्यू पे किया है, किसको आपने कॉस्ट पे, आपने बताया ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा अंकल? हाँ कैसे चलेगा दीदी, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जिन जिन इन्वेस्टमेंट्स को आपने मार्केट वैल्यू पे मेजर किया है उनका आप डिस्क्लोजर दीजिए कि हमने इनको मार्केट वैल्यू पे मेजर किया है, क्योंकि इसके लिए हमें एएस लगता है, एएस हमें बोलता है कि भैया मार्केट वैल्यू पे मेजर करो, हमने इसको कॉस्ट पे मेजर किया क्योंकि इसकी कोई मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है या फिर इसको कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो आपको इसको क्या देना पड़ेगा डिस्क्लोजर। आया समझ में कि नहीं? वेरी गुड रवि, आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई लायबिलिटी शो नहीं की है क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद पैसा नहीं देना पड़ेगा, चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं कि मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है, चांसेस बहुत कम है, तो आपने बोला चलो कंटिजेंट लायबिलिटी बना देते हैं। अब कंटिजेंट लायबिलिटी कोई एंट्री नहीं होती, कंटिजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती, कंटिजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्निशन नहीं करते, तो कंटिजेंट लायबिलिटी का क्या करोगे, डिस्क्लोजर तो करोगे कि भाई मैंने अपनी बुक्स में एक लायबिलिटी है पर वो दिखाई नहीं है जानबूझ के, क्योंकि इसके कारण इसके ये रीजंस हैं और हमें लगता है कि ये शायद जनरली नहीं होगी, बट फिर भी हम बता देते हैं तुम्हें कि कल को ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि यार ये क्या हो गया, कहां से क्या हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? सो गाइस दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्क्लोजर। बाकी लोग भी बहुत सारे बोल रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ लीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, प्रोविजंस मेड, कॉलेटरल सिक्योरिटी। आपने लोन लिया है अपने असेट्स को सिक्योरिटी पर रखवा के, मॉर्गेज पर रखवा के, तो पता होना चाहिए यूजर्स को कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज मॉर्गेज पर है, ये सब। अंडरस्टूड ऑर नॉट टू डिस्क्लोज ऑल द material facts along with significant, likhiye please, significant accounting policies adopted and estimates made to prepare financial statements so that true and fair view can be given। आई बात समझ में? लेजर को प्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते? नहीं, लेजर को प्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते, लेजर का प्रेजेंटेशन नहीं होता, प्रेजेंटेशन हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। बच्चों बोलो मुझे कि आपको कोई प्रॉब्लम इन चार पॉइंट्स में? बताइए कोई प्रॉब्लम इन पॉइंट्स में? मैनेजमेंट में दो क्या क्या वो है एक बार बता दीजिए, दो क्या क्या? तनुजा मैं आपका डाउट नहीं समझ पाया, तनुजा मैं आपका डाउट नहीं समझ पाया, जूम कर दो, चलो जूम कर दिया। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई और डाउट नहीं है?
अमानी कुंवर, लव यू हेयर फ्रॉम नेपाल, थैंक यू बेटा। बेटा क्लास 1:15 बजे तक रहेगी, 1:15 तक क्लास रहेगी। क्लास का टाइमिंग 1:15 रहेगा, 1:15। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? दो पॉइंट है मैनेजमेंट में, दो पॉइंट है मैनेजमेंट, मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या बोला था। सर ये आता है क्या एग्जाम में? नहीं बेटा, ये एग्जाम में नहीं आता है, बट ये बातें ऐसी हैं जो पता होना जरूरी है, जो कहीं ना कहीं जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं उनसे कनेक्टेड होती है, उनसे कनेक्टेड होती है। आज टैक्स की क्लास होगी, बिल्कुल विजय सर टैक्स की क्लास लेंगे, विजय सर टैक्स की क्लास लेंगे, 2 बजे क्लास होगी। विजय सर के घर पे मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी उन्होंने बोला है कि वो क्लास लेंगे, पर हो सकता है बीच में उनको क्लास इंटरप्ट करनी पड़े अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो, ऐसा विजय सर ने मुझे बोला कि मैसेज दे देना। अच्छा वो मेजरमेंट बोल रही है, मेजरमेंट के ये दो है ना पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स मेजरमेंट, वो मैनेजमेंट मैनेजमेंट कर रही है यार, मैंने सोचा मैनेजमेंट क्या था। आई स्टूडेंट्स हार्ट, सर इफ पॉसिबल प्लीज सारे लेक्चर लाइव लीजिए ना, आपके साथ बैठ के पढ़ने में मजा आता है। बेटा आपका नाम क्या है? ओके चलें आगे बढ़े, आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, एक सेकेंड ना, वो स्क्रीन चली गई थी। रिपीट कर दो मेजरमेंट, मेजरमेंट ये रिपीट है ना, ये है मेजरमेंट के दो पॉइंट, पहला इनिशियल मेजरमेंट, सबसेक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियल मेजरमेंट। सबसेक्वेंट मेजरमेंट जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर चुके हो उसको बैलेंस शीट डेट पर क्या वैल्यू पे रखा जाएगा, सबसेक्वेंट मेजरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे बताएं बताएं व्हाट इज असेट, असेट किसको कहते हैं, व्हाट इज असेट, व्हाट डू यू मीन बाय असेट? व्हाट डू यू मीन बाय असेट? व्हाट डू यू मीन बाय असेट? विच गिव्स बेनिफिट इन द फ्यूचर, जिससे अपना कंट्रोल हो। वेरी गुड अंकित यादव, कैन बी रियलाइज इन फ्यूचर समथिंग इन वैल्यू, एनीथिंग दैट कॉज इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वेरी गुड। इकोनॉमिक वैल्यू, मुकुल गर्ग, कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वेरी गुड। मुकुल गर्ग कहां से पढ़ा? आकांक्षा, कंट्रोल प्लस इकोनॉमिक बेनिफिट, आकांक्षा कहां से पढ़ा? जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर क्या खा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं चने खा रहा हूं। जो दूर तक चलती है जो पास तक चलती है वो असेट नहीं, फाउंडेशन में आपने बताया हुआ है, वेरी गुड। बस मैं यही जानना चाह रहा था, बस मैं यही समझना चाह रहा था। सर फाउंडेशन, वेरी गुड।
नहीं, गूगल पे सर्च करके नहीं बोल रहे, तनुजा फाउंडेशन के वीडियो में। सर आपने फाउंडेशन पढ़ाया है? मैं समझ गया था, क्योंकि करंट असेट बेस्ड तो होता है सर। हाँ, मैं यहां पर करंट असेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं यहां पर नॉन करंट असेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं यहां पर फिक्स्ड असेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं यहां पर इंटेंजिबल असेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं यहां पर असेट पूछ रहा हूं, मैं यहां पर टोटल असेट पूछ रहा हूं, ठीक है ना। बच्चों असेट मतलब, किसी किसी स्टूडेंट ने बोला कि जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। बात ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जिससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है हायाबुसा, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं इससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मस्त, इससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मस्त जैकेट पहन के, हेलमेट पहन के, अपनी बीवी को पीछे बिठा के, मस्त मुंबई पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पे जा रहा हूं, बाइक घुमा रहा हूं, बढ़िया मजा आ रहा है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, मस्त बाल लहराएंगे हमारे, ये अलग ही मतलब एक एक वो है, फोटो खींचेंगे ट्विटर पे, ट्विटर बोल रहा हूं सॉरी, इंस्टा पे डालेंगे, अलग ही लेवल, मतलब इतने फॉलोअर्स होंगे, वाह इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कंपनी के फॉर्म में बात करते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मेरे पास कोई मशीन है, मेरे पास कोई मशीन है, मेरे पास कोई बिल्डिंग है, मैं बोल रहा हूं कि हाँ मुझे ये 5 साल तक इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, तो क्या वो मशीन, क्या वो बिल्डिंग मेरी असेट हो गई? जरूरी नहीं है। क्या वो हायाबूसा मेरी असेट हो गई? जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो हायाबूसा मेरे फ्रेंड की और मैंने कुछ दिन के लिए उससे ली हो, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है वो बिल्डिंग, हो सकता है वो मशीनरी मैंने रेंट पे ली हो, मैंने वो बिल्डिंग, मैंने वो मशीनरी मैंने रेंट पे ली हो। तो ऐसी भी चीजें होती हैं जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है, पर वो आपके ओनरशिप की नहीं होती, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट क्या है, असेट मतलब ऐसी चीज जिसमें दो चीजें हैं, जिसमें दो चीजें हो, कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कंट्रोल मतलब क्या, वो नाना पाटेकर वाला कंट्रोल नहीं, कंट्रोल उदय कंट्रोल, वो लाला कंट्रोल नहीं, कंट्रोल मतलब जिस पे मेरा कंट्रोल है, मैं कुछ भी करना चाहूं करूं, साला ये कैलकुलेटर उठा के फेंक मारूं या फिर कुछ भी करूं, मैं, मेरे पास अगर बिल्डिंग है तो मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करूं, मैं उस बिल्डिंग को किराए पर दे दूं, मैं उस बिल्डिंग को बेच दूं, मैं उस बिल्डिंग को कॉलेट्रल सिक्योरिटी पर रख के लोन ले लूं, मेरी मर्जी। हां मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो कंट्रोल होना जरूरी है। मेरे दोस्त की हायाबुसा थी, पर मेरे पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो थे, पर वो मेरा असेट नहीं है। मेरे पास बिल्डिंग है, पर वो मैंने किराए पर ली है, वो मेरी असेट नहीं है, मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकता, मैं उसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, ठोकाटाकी नहीं कर सकता। आई बात समझ में कि नहीं? सो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ क्या होना चाहिए? कंट्रोल। यहां पर कंट्रोल मतलब ओनरशिप, ओनरशिप मतलब सारे बेनिफिट, सारे रिस्क हमारे, उस असेट से जुड़े हुए सारे रिस्क, उस असेट से जुड़े हुए सारे रिवॉर्ड्स मतलब बेनिफिट्स हमारे हैं। अगर ये कंट्रोल है और मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हां ये मेरी असेट है। आई बात, मेरी बात समझ में कि नहीं? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? प्लीज बोल्ड में लिखो बेटा, बोल्ड में ही लिखा है मेरे भाई मेरी बहन, बोल्ड में ही लिखा है। कांट एबल टू सी, वाई यू कांट एबल टू सी? मैं अपने फोन पे खोल के बैठा हूं, मुझे तो मस्त दिख रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक कोई भी असेट है जिसपे मेरा कंट्रोल तो है, मेरा कंट्रोल तो है मतलब ओनरशिप है, पर मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं मिल रहे। सर ऐसी कौन सी चीज होती है? कंट्रोल है पर फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं मिल रहे। हो सकता है मेरे पास ऐसी कोई गाड़ी रखी है, बाइक रखी है, जो चलने की हालत में भी नहीं है, खराब हो चुकी है, ठीक है ना, पर मैं उसको बेच नहीं रहा हूं, मुझे उससे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बट मेरी ओनरशिप की है, पर वो खराब हो चुकी है, खटारा पड़ी हुई है गाड़ी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में एक्सपेक्ट कर सकता हूं? नहीं। तो भी वो मेरे लिए असेट नहीं हुआ, तो भी वो मेरे लिए असेट नहीं हुआ। आई बात समझ में कि नहीं?
मैंने आपको बोला था कि मैं पहले कंप्लीट करवा लूं, फिर मुझसे क्वेरी पूछना, ठीक है ना? दादाजी की पुरानी टूटी हुई साइकिल, यस, याद है सबको, वो फाउंडेशन में एग्जाम्पल भी दिया था, अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं जानबूझ के। डीम्ड ओनरशिप भी असेट है सर, बिल्कुल। अगर मेरे फ्रेंड ने जो हायाबूसा खरीदी, मैंने उससे हमेशा के लिए लीज पर ले ली, हमेशा के लिए, मैंने उसको बोला कि तू हायाबूसा के बराबर का मुझसे रेंट ले ले थोड़ा थोड़ा करके हर साल, और मुझे उसके सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दे दे। ओनर वही होगा, पर एक्चुअली मेरे पास सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है, मैं डीम्ड ओनर बन गया, तो भी मैं बोलूंगा कि मेरे पास कंट्रोल है। तो कंट्रोल में ओनरशिप होता है या फिर डीम्ड ओनरशिप होता है? दूसरा, मैंने आपको बोला कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, कंट्रोल है पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, ये भी हो सकता है, तो ऐसे केस में वो असेट नहीं हुई। डीम्ड मतलब मैं सच्ची मुच्ची ओनर नहीं हूं, पर मैं माना जाएगा कि मैं ओनर की तरह ही काम कर रहा हूं। मैं ओनर तो नहीं हूं पर मैं ओनर की तरह हूं। जैसे दादाजी या परदादाजी चले गए पर प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं कर गए, पर देखा जाए तो आज एक ही पोता है और कोई है भी नहीं मार्केट में, तो ओनर वो पोता अपने आप को क्या बोलेगा, आई एम द डीम्ड ओनर। भाई हमारे पूरे परिवार में और कोई है भी नहीं क्लेम करने वाला, मैं ही चूं, तो मैं कौन? डीम्ड ओनर। आई बात समझ में कि नहीं? साइकिल नहीं सनी, हाँ, समझ गए एग्जाम्पल। फाउंडेशन वाले बच्चे नॉटी बन रहे हो, मतलब तो है क्लियर? क्लियर? मेरी बीवी आके मुझे वहां से हाथ जोड़ रही, बोल रही है फालतू बातें मत करना, क्लास में गंदगी मत फैलाओ। क्लियर बेटा? चलिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय असेट हमने अभी देखा। बच्चों एक काम करते हैं, सर क्या पढ़ा रहे हो? अरे मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी हमने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, ये कोई भी चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ बेसिक्स हैं, ये सिर्फ बेसिक्स हैं। चलिए, मैंने आज जितना भी पढ़ाया, एक बार घर जाके मतलब तुम तो घर पे ही हो, मतलब एक बार बाद में देख लेना, नहीं भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, की फर्क पैदा है अगली क्लास में अपन समझेंगे, क्योंकि एज सच कोई अभी अब मैंने आपको कोई चैप्टर शुरू नहीं करवाया, तो मैं आपको एज सच कोई इतना बर्डन नहीं देना चाह रहा हूं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ठीक है जितना पढ़ा वो ठीक है। सर फिक्टिशियस असेट कौन सी होती है? हाँ, आपके डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो। सर फिक्टिशियस, बेटा फिक्टिशियस असेट बोलना ही गलत है, फिक्टिशियस के बाद असेट लगाया मतलब वो कोई असेट है ही नहीं एक्चुअली। फिक्टिशियस मतलब यहां पर असेट है ही नहीं वो। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? प्लीज बेटा 2 मिनट का, मुझे दो मिनट में स्क्रीन फ्लिप कर रहा हूं। हाँ बच्चों, सरकार अपना कहा जो खराब है वो फ्यूचर में सेल करके बेनिफिट देगी, इसके लिए वो फ्यूचर अपना कहा कि फ्यूचर बेनिफिट नहीं। सी 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने ये बोला कि मेरे पास अगर कोई खटारा गाड़ी है जिसको कोई ले भी नहीं रहा, हाँ अगर उसकी कोई मार्केट में सेल है तो मैं तो भी बोलूंगा कि यस, मैं इसको सेल करके फ्यूचर में बेनिफिट अर्न कर लूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बातों को बिल्कुल सिंपली लीजिए कि अगर मेरे पास कोई असेट है जिसको कोई खरीद भी नहीं रहा, उसका मार्केट भी नहीं है और ना वो मेरे काम की है, मतलब वो खटारा है, इसका मतलब मेरे लिए वो असेट नहीं है, पर मेरे काम की नहीं है, पर उसको अगर मैं बेचूंगा तो किसी और के काम की रहेगी, तो भी मैं बोलूंगा कि यस, मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा अगर मैं उसको बेचूंगा तो। आई मेरी बात समझ में? मैं फिक्टिशियस असेट पे था, फिक्टिशियस असेट पे पॉइंट ये था कि फिक्टिशियस असेट, कोई भी चीज को फिक्टिशियस अगर बोलोगे तो वो असेट है ही नहीं।
फिक्टिशियस एसेट में लॉसेस आते हैं, कंपनी के कुछ पास्ट पुराने लॉसेस रखे हुए हैं, कुछ डेफर्ड एक्सपेंडिचर रखे हैं, वो असेट नहीं होती, वो कंपनी के लॉसेस होते हैं। तो फिक्टिशियस असेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली खत्म हो चुका है, वो पुराने जमाने में पढ़ाया जाता था। फिक्टिशियस असेट कोई चीज होती नहीं है, वो कंपनी के पुराने पड़े हुए लॉसेस होते हैं। ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर विच गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन। बेटा जो ये तुम मौसम कुमारी आप जो बोल रहे हो ना कि आपने ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, आज मैं अपनी क्लासेस पर बेनिफिट मैं एक्सपेंडिचर कर लूं, आज मैं शाहरुख खान को अपने घर पे बुला लूं, मैं बोलूं कि मेरा लाइव लेक्चर चल रहा है, शाहरुख खान भाई साहब मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, सिर्फ आप 5 मिनट के लिए आइए और मेरी लाइव क्लास में आइए ताकि मेरी क्लास में मेरी बच्चे क्लासेस खरीद लें, क्या शाहरुख खान के चक्कर में मेरी क्या क्लासेस बच्चे खरीद लेंगे? पॉसिबल नहीं लगता। वही बच्चे खरीदेंगे जो बेवकूफ होंगे, मतलब शाहरुख खान के चक्कर में मेरी क्लासेस खरीदेंगे और मेरी टीचिंग के चक्कर में नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब वो बच्चे बेवकूफ है। और मैं कितना भी गंदा पढ़ा लूंगा पर अगर शाहरुख खान मेरी क्लास में आ जाएगा क्योंकि मैंने एडवर्टीजमेंट कर लिया, तो मतलब मैं बोलूंगा फ्यूचर में तो अपने को बहुत बड़े एडवांटेज है, आने वाले 2 साल तक बस अपन ही है मार्केट में, अपनी क्लासेस बिकेंगी क्योंकि मैंने अपनी क्लास में शाहरुख खान को लाया था। व्हाट द एफ इज दिस, समझ रहे हो कि नहीं? सो हैवी एडवर्टीजमेंट करने से किसने बोला कि फ्यूचर में तेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे? कहां लिखा है फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे? हाँ, कौन सी श्योरिटी है तेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे? तूने हैवी एडवर्टाइज, एक नया एग्जांपल, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तूने कर लिया, अचानक से अगले दिन लॉकडाउन शुरू हो गया, कोविड, तेरे को पता था कि भारत में लॉकडाउन लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। लोगों ने हैवी हैवी एडवर्टाइजमेंट करके रखी थी, पता नहीं क्या क्या करके रखा था, अगले दिन से लॉकडाउन 6 महीने तक उनका बिजनेस नहीं चला। बोलो क्या मिला आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट? नहीं मिला ना। सो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज असेट। हमारे एएस कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को इमीडिएटली पीएनएल में डालो साले को। हाँ, आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजों को ध्यान से रखिए सुनने को, ठीक है? सो गाइस टेल मी, खत्म करें आज का लेक्चर, आपको और कोई डाउट? आज विजय सर की क्लास होगी और 2 बजे होगी, डोंट वरी, विजय सर की क्लास चलेगी 2 बजे। चलो, थैंक यू सो मच आज की क्लास सुनने के लिए, धन्यवाद। कल की क्लास सेम टाइम पर होगी, 12 बजे, ठीक है? सेपरेट बुक सेट परचेस कर लीजिए अगर आप क्लासेस को परचेस नहीं कर रहे हो, तो सेपरेट बुक सेट परचेस कर लीजिए। दूसरी एक बात, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो मेरे साथ लाइव में बने रहिए, और अपने दोस्तों को जो अभी तक लाइव क्लासेस शुरू नहीं किए हुए देखना, उनको भी बोलिए कि साथ साथ वो स्टार्ट कर लें, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।